हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th एक्सरसाइज 11.1 मेंसुरेशन एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अ फ्लोरिंग टाइल हैज शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक फ्लोरिंग टाइल है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। मतलब कितनी टाइल्स लगेंगी अगर हमें एक फ्लोर को कवर करना हो उन टाइल्स से जिसका एरिया 1080 है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा टाइल है वो पैलोग्राम की शेप में है, तो हम पहले इसका एरिया निकालेंगे और फिर उसके बाद हमें एरिया फ्लोर का दे रखा है। तो टाइल्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर का एरिया ऊपर और टाइल का एरिया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की शेप में जो टाइल है पहले हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टाइल का बेस हमें गिवन है, बेस ऑफ टाइल वो है हमारा 24 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एरिया हमारा मीटर में गिवन है फ्लोर का, इसलिए हमें बेस और हाइट दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो 0.24, ये तो नीचे 100 की दो जीरो है, इसके बाद मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया पॉइंट में। और हाइट को भी हम इसी तरह से मीटर में कन्वर्ट करा लेते हैं। हाइट ऑफ टाइल ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो मीटर स्क्वायर नहीं मीटर आएगा। अब 0.1 मीटर इसकी हाइट आ गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। अब पैरेललोग्राम की शेप में अगर हमारा टाइल है तो इसका एरिया बनता है बेस इनटू हाइट, यह होता है इसका एरिया। अब हमें बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, वो भी मीटर में, तो हम इसको पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल ये हो गया। तो आपका बेस 0.24 × 0.1, तो पहले 24 बन जाए, 24 कर लेते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ दो वैल्यू, यहाँ एक है, टोटल हो गई हमारी तीन, तो तीन के बाद हम पॉइंट प्लेस करेंगे 1, 2, 3 इस तरह से मीटर स्क्वायर में। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर लिखिए और अपॉन में आएगा एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर जो है हमारा है क्वेश्चन में गिवन 1080 और एरिया ऑफ वन टाइल आया 0.024। इसको हटा के ऊपर हम 1000 पुट कर देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये जाएगा 3 से, अब ये जाएगा 2 से, फिर ये जा रहा है 2 से, अब फिर जा रहा है ये 2 से, तो 45 × 1000 आ गया, 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसका बेस 0.24 मीटर होगा और हाइट 0.1 मीटर होगी, तब वो 1080 एरिया वाले फ्लोर को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप इज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीसेस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। मतलब एक चींटी है जो कि कुछ फूड पीसेस पर जो कि डिफरेंट शेप में है फ्लोर पर फैले हुए हैं उस पर वो मूव कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि कौन से फूड पीस पर जो चींटी है उसको लॉन्गर राउंड लगेगा, किस पे सबसे ज्यादा लंबा राउंड लगेगा उसका। तो यहाँ पर देखिए, ये सेमी सर्कल है, इसमें डायमीटर गिवन है हमें और आर्क है ऊपर सेमी सर्कल की, इसी तरह से ये एक फूड पीस है, तीन फूड पीसेस दिए रखे जिसे मैंने ए बी सी नाम दिया है। और सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड फॉर ए, ए पहला पीस है, इसके लिए कितना डिस्टेंस मूव होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें यहां पर एक तो आर्क ए बी, एक तो चीटी इसको ए बी को कवर करेगी,
इसे हम आर के ए बी बोलेंगे और फिर ये इसको कवर करेगी प्लस ए बी। तो यहां आर्क ए बी का मतलब इससे है, तो ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम देखें, और अगर पूरे का सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, और अगर आधे का देखें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा पाई आर के बराबर होगा। और ए बी हमें गिवन है यहाँ पे 2.8 है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 22/7 इंटू में आर जो होगी इसकी कितनी होगी, 2.8 की आधी कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2.8 की आधी कितनी हो जाएगी 1.4 प्लस 2.8। अगर हम इसको काट देते हैं 0.2 ये हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8, कैलकुलेट करके कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ए पर वो इतना मूव कर रही है 7.2, अब हम डिस्टेंस मूव्ड और बी, बी के लिए कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब देखिए यहां पर एक तो है हमारी आर्क ए बी प्लस, अब बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन सब पर इसने मूव किया होगा। तो अब हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे आर्क ए बी सेम टू सेम जैसे कि हमने इसमें की थी, तो मैं इसका रिजल्ट सीधा भी लिख सकता हूं और चाहूं तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं कि आर्क ए बी का मतलब क्या होगा पाई आर होगा, बी सी का मतलब यहां क्या होगा देखिए 1.5, और सी डी का मतलब क्या होगा देखिए यहां 2.8 जो है ये डिस्टेंस इसके लिए होगा सी डी के लिए 2.8 क्योंकि ये सेम है, और यहां ए डी के लिए जो होगा ये 1.5 होगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा 4.4, बाकी प्लस कर लीजिए आप 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो 1.5 तो हो गए आपके 3.0 और 4.4 और 2.8 और ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 10.2। तो 10.2 जो है सेंटीमीटर कवर किया यहां पर इसके लिए फूट बी के लिए। अब हम डिस्टेंस मूव फॉर सी, सी के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, अब देखिए यहां पर एक तो आर के बी है यहां पर भी, अब यहां पर बी सी प्लस सी ए या ए सी एक ही बात है, आर्क ए बी वही रहेगी 4.4 क्योंकि इसमें वही चीज दी हुई है 2.8, 4.4 रहेगी, बी सी जो है वो 2 रहेगी और ए जो है वो भी 2 रहेगी। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बनता है 8.4 सेंटीमीटर। तो अब उसमें पूछे लॉन्गर राउंड किसमें लगा, तो आंट टेक लॉन्गर राउंड, आंट टेक लॉन्गर राउंड इन बी, बी में उसको लॉन्गर राउंड लगाया है सबसे ज्यादा आंट को। तो आपने देखा कितने आसान क्वेश्चन थे, तो आप भी कीजिए एंड कीप वॉचिंग।